हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में मैं कन्वर्स ऑफ थियर थ्योरम प्रूव करने वाला हूं। सबसे पहले तो यह बता दूं कि थियर थ्योरम का गिवन कन्वर्स ऑफ थियर थ्योरम का सेकेंड स्टेप टू प्रूव दैट होगा और थेल्स थ्योरम का टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का गिवन होगा। ट्रायंगल एबीसी का यह फिगर देखो, इसमें साइड एबी एंड एसी इंटरसेक्टेड बाय एल एट द पॉइंट पी एंड क्यू such that AP upon PB is equal to AQ upon QC। ये जो बात मैंने बोला यही तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का गिवन है और सत्यापित करना है। PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC सत्यापित करना है, मींस L पैरेलल टू BC सत्यापित करना है। तो सबसे पहले आप यह जान लो कि गिवन में क्या लिखना होगा और किस तरीके से लिखना होगा। तो लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल, इसके बाद साइड एबी एंड एसी इंटरसेक्टेड बाय एल एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब जरा देखो, ये जो बात मैंने लिखा वो कहां लिखा है? फर्स्ट स्टेप में लिख दिया, मीन्स इवन में लिख दिया। इसके पहले वाला लेक्चर में आप इसको देखा होगा कि यह टू प्रूव डेट में था, लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में यह गिवन का पार्ट है, यानी वहां जो आप साबित किए थे थेल्स थ्योरम में वही यहां गिवन में है। और इसका जो सेकेंड स्टेप है वह टू प्रूव डेट का है। तो टू प्रूव डेट में पी क्यू पैरेलल टू बी सी लिखोगे या एल पैरेलल टू बी सी लिखोगे। यहां मैं पी क्यू पैरेलल टू बी सी या एल पैरेलल टू बी सी क्यों लिख दिया? एल पैरेलल टू बी सी इसलिए लिख दिया क्योंकि पी क्यू बीजे पार्ट्स ऑफ एल, पी क्यू तो एल का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। एक बात जान लो, थेल्स थ्योरम
का जो कंस्ट्रक्शन था ना वही कलभास ऑफ थेस थ्योरम का कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि तीसरा जो स्टेप होगा, जिस स्टेप का नाम कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में थेल्स थ्योरम का ही हम लोग हूबहू कॉपी को रखेंगे। तो याद है थेल्स थ्योरम का कंस्ट्रक्शन, और वह था ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एसी, QM परपेंडिकुलर टू AB, ज्वाइन P टू C एंड Q टू B। यही कंस्ट्रक्शन था ना थेल्स थ्योरम में भी, यही कंस्ट्रक्शन था जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कंस्ट्रक्शन है। तो गिवन टू प्रूव दैट और कंस्ट्रक्शन जो थेल्स थ्योरम में था और ये जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में मैंने लिखा, ये दोनों में जरा कंपेयर कर लो। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो थेल्स थ्योरम का गिवन यहां का टू प्रूव दैट है, थेल्स थ्योरम का टू प्रूव दैट इस थ्योरम का गिवन है, और थेल्स थ्योरम का कंस्ट्रक्शन और यहां का कंस्ट्रक्शन मींस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कंस्ट्रक्शन, ये दोनों सेम है। तो बताओ गिवन जो पहला स्टेप है थ्योरम सत्यापित करने का तो प्रूव दैट, दूसरा स्टेप है कंस्ट्रक्शन, तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप आपको निश्चित रूप से भलीभांति याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना। अब इसमें एक कमी रह गई, इस फिगर में एक कमी रह गई, और एक कमी यह रह गई कि जो बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा उस बात को इस फिगर पे उतारना होगा। तो ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एस, तो यहां से पी टू एम मीन्स पीएम परपेंडिकुलर टू एस ही ड्रॉ कर दिया, फिर ड्रॉ कर दिया ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ज्वाइन पी टू सी एंड क्यू टू बी, पी से सी और क्यू से बी को भी जोड़ दिया। बताओ इसी तरह का फिगर ना थेल्स थ्योरम में था। तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजिंग, कोई बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? नहीं ना, सेम है दोनों। गिवन में बदलाव है तो प्रूव दैट भी बदला हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव नहीं है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना।
बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू जो सिलेबस है उसमें एक थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पता है वो थ्योरम कौन है? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, जो हम लोग सत्यापित करते थे आरएस अग्रवाल बुक में चैप्टर नंबर थर्ड में। यह थ्योरम मिलेगा चैप्टर नंबर थर्ड, इसी थ्योरम के कंटेंट पे है। ज्योमेट्री की बात मैं कर रहा हूं और इसी को न्यू सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है, तो उसको तो सत्यापित करना नहीं है। लेकिन जितना हम लोगों को सत्यापित करना है उस टास्क को तो पूरा करना होगा और अच्छे से करना होगा, डिडक्शन सहित करना होगा। तो गिवन टू प्रोटेक्ट और कंस्ट्रक्शन की बातें हो गई। बाद में आपको बताना चाहता हूं प्रूफ की बात है। तो जब प्रूफ करना होगा स्टूडेंट्स, तो आप जिस तरीके से थेल्स थ्योरम में दो दो केसेस तैयार करते थे उसी तरह से इसमें भी आप दो दो केसेस तैयार करोगे। पहला केस के लिए एपीक्यू नाम के ट्रायंगल और पीक्यूबी नाम का ट्रायंगल का यूज होगा, जिसमें पीएम परपेंडिकुलर टू एक्यू, जिसमें पीएम परपेंडिकुलर पीएम परपेंडिकुलर टू एक्यू देख रहे हो, और दूसरा ट्रायंगल का जो यूज करने वाले हैं वह है पीक्यूसी नाम के ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं। तो पीक्यूसी में भी पीएम परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड सीक्यू को लिया गया है, पीएम परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड सीक्यू इसी को लिया गया है। तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लोगे और इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लोगे जिसको मैं कलर कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, यानी ये दोनों जो कलर एरिया आप देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ही केस नंबर फर्स्ट होगा। तो यहां देखो ना, पीएम परपेंडिकुलर टू एक्यू है मींस पीएम एल्टीट्यूड है जबकि एक्यू बेस है। यहां पीएम परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड सीक्यू है, अगर प्रोड्यूस्ड सीक्यू है पीएम परपेंडिकुलर तो यहां बेस सीक्यू है और परपेंडिकुलर पीएम है। इसी का यूज करके
हम लोग ट्रायंगल पीक्यूसी का एरिया निकालेंगे और एक्यू बेस पीएमएल्टीट्यूड का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू निकालेंगे। क्यूसी बेस पीएमएल्टीट्यूड का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी निकालेंगे और ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ही केस नंबर फर्स्ट में डिस्प्ले करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को केस नंबर फर्स्ट में डिस्प्ले करके देखो तो यह लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू 1/2 इनटू एपीक्यू का बेस एक्यू और परपेंडिकुलर पीएम तो 1/2 इनटू एक्यू इनटू पीएम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी के लिए 1/2 इनटू मैंने बोला पीक्यूसी के लिए बेस क्यूसी एल्टीट्यूड पीएम कारण के थेस थ्योरम में ही मैं इस बात का डिस्कशन कर लिया हूं इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूसी क्यों है इसके डिस्कशन में मुझे दोबारा जाना पड़े कारण कि इस डिस्कशन के लिए मैं थेस थ्योरम में ही फुल डोज दे दिया हूं। तो 1/2 इंटू क्यूसी इंटू पीएम इस तरह से जो सेम है वो एक दूसरे से डिवाइड होंगे और एक फाइनलाइज रिजल्ट एक्यू अपॉन क्यूसी के रूप में मिलेगा। तो एक्यू अपॉन क्यूसी के रूप में कौन सा रिजल्ट तुम्हें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी यह हो गया केस नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो है केस नंबर सेकेंड के लिए आप जिन ट्रायंगल का यूज करोगे वह ट्रायंगल छुपा हुआ नहीं है वह ट्रायंगल इसी फिगर में है लेकिन उसको अलग बना करके आपके सामने रखना होगा और देखो एक ट्रायंगल है जिसका नाम एपीक्यू है इसकी खासियत क्या है यहां क्यूएन परपेंडिकुलर टू एपी लिया गया है इसी के साथ एक ट्रायंगल लोगे जिसका नाम होगा क्यूपीबी क्यूपीबी नाम के ट्रायंगल का खासियत क्या है यहां क्यूएन परपेंडिकुलर को प्रोड्यूस्ड बीपी है क्यूएन परपेंडिकुलर को प्रोड्यूस्ड बीपी है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और दोनों के एरिया में जब रेशियो वैल्यू दोगे तो इसी तरीके का जो केस नंबर फर्स्ट में तुम देख रहे हो इसी तरीके का रिजल्ट इसी से मिलता जुलता रिजल्ट तुम्हें केस नंबर सेकंड के रूप में मिलेगा।
का सेकेंड के रूप में क्या मिलेगा? तो इस ट्रायंगल के एरिया मींस ट्रायंगल एपीक्यू का एरिया मींस क्यूपीबी का एरिया का रेशियो मिलेगा। तो यहां देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी इज इक्वल टू 1/2 इनटू, बताओ इस फिगर में एपीक्यू का एरिया निकालने के लिए बेस एपी और एल्टीट्यूड के रूप में क्यूएन का यूज करना होगा ना। तो यहां 1/2 इंटू एपी इंटू क्यूएन और यहां पर 1/2 इंटू इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस पीक्यू बेस पीबी और एल्टीट्यूड क्यूएन का यूज करना होगा। तो बेस पीबी एल्टीट्यूड के रूप में क्यूएन 1/2 से 1/2 डिवाइड होंगे, क्यूएन से क्यूएन होंगे और एक रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है एपी अपॉन पीबी के रूप में। इसका नाम दे दोगे केस नंबर सेकेंड। तो बताओ केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड ये दोनों तेरे पास है। केस नंबर फर्स्ट पाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी का रेशियो निकालना पड़ा। केस नंबर सेकेंड के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी का रेशियो निकालना पड़ा। ये दोनों केसेस को आप देख रहे हो ना। अब हम लोग गिवन में दी गई जो बातें हैं उससे चलने वाले हैं। तो गिवन में दी गई बात आप देख रहे हो, यही गिवन है ना। इस गिवन में क्या है? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी है ना। कारण कि तुमने गिवन में लिखा एबीसी इज ए ट्रायंगल साइड एपी एंड एसी इंटरसेक्टेड बाय एल एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट, मैंने इस प्रकार कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। यही तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का गिवन है। मींस गिवन में दिया हुआ है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। अब यहीं से चलने वाले हैं। ये जो गिवन की बात है इसी गिवन की बात में जो केस नंबर फर्स्ट और जो केस नंबर सेकेंड तुम लाए हुए हो उसका वैल्यू डाल दोगे। कहां डाल दोगे? तो गिवन में जो बात लिखे हो आप एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी इसी में डाल दोगे। तो प्रूफ वाले जो स्टेप हैं उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम यह लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं वह देखो। लिखने वाले हैं फ्रॉम गिवन मींस जो दिया हुआ है उससे। तो फ्रॉम गिवन, गिवन में क्या है?
तो विभेद में यही तो है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब ये जो विभेद में दी गई बात को आपने इस तरीके से लिख दिया, इसके बाद क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दिस केस जो केस आप गिवन से लिखे हो, गिवन वाले केस में फर्स्ट और सेकेंड का जो केस है उसको पुट कर दोगे, तो क्या ऐसे ही पुट कर दोगे, नहीं, लिखना पड़ेगा यहां, और यह लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ केस फर्स्ट एंड सेकेंड इन गिवन, जो दिया हुआ है उसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड का वैल्यू डालना होगा, पुट कर दो ना, अगर ऐसा करोगे देन एपी अपॉन पीबी के लिए क्या पुट करोगे, देखो केस सेकंड में एपी अपॉन पीबी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपी भी है, तो एपी अपॉन पीबी के लिए क्या लिखोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपी भी, यही ना केस नंबर सेकेंड में है, और किसके लिए है, देखो एपी अपॉन पीबी के लिए, तो एपी अपॉन पीबी के लिए मैंने इतना लिख दिया इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी के लिए केस नंबर फर्स्ट की तरफ जाना होगा, और केस नंबर फर्स्ट में एक्यू अपॉन क्यूसी के लिए जो है वह तेरे सामने है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो यही लिखोगे ना एक्यू अपॉन क्यूसी के लिए, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, ऐसा ही लिखोगे। अब क्या करोगे, ये जो लिखे आपने इसमें एपीक्यू और एपीक्यू दोनों तरफ है और ऊपर में है, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, नेक्स्ट रिजल्ट तुम्हें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी इक्वल टू सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग जो नाइन्थ क्लास में सीख चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देख बेटा यहां देख, इस फिगर को थोड़ा देखना पड़ेगा, इस फिगर को देखो, यहां एक फिगर है PQC नाम के ट्रायंगल का, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, दूसरा ट्रायंगल है QPB नाम का ट्रायंगल, QPB नाम का ट्रायंगल इसको भी मैं कलर कर रहा हूं,
आप देख रहे हो यहां पर, यानी केस नंबर थर्ड को देखो आप, केस नंबर थर्ड यही तो है। केस नंबर थर्ड में यह देखा जा रहा है कि ट्रायंगल क्यूपीबी का जो एरिया है सेम एंड ट्रायंगल पीक्यूसी का है। ट्रायंगल क्यूपीबी का जो एरिया है सेम एरिया ट्रायंगल पीक्यूसी का है। तो टू ट्रायंगल्स मैंने बोला किसके लिए बोला पता है, क्यूपीबी के लिए और पीक्यूसी के लिए। टू ट्रायंगल्स आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। देखो ये दोनों कलर्ड ट्रायंगल का स्टैंडिंग ऑन सेम बेस मैंने बोला, ये दोनों ट्रायंगल का बेस PQ है और ये दोनों ट्रायंगल एरिया में भी सेम है। इस बात का प्रूफ केस नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, केस नंबर थर्ड में देख रहे हो ना। और ये दोनों ट्रायंगल यानी पीक्यूसी और क्यूपीबी स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड सेम एरिया। यदि दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो, दोनों का एरिया सेम हो, अब बताओ टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड सेम एरिया देन लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। यह नाइन्थ में आप पढ़े थे, टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड सेम एरिया देन लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन बेस PQ एंड दीज ट्रायंगल्स आर सेम एरिया। अगर ऐसा है तो ऐसा कब होता है, जब दोनों ट्रायंगल लाइन बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं। इसका मतलब कि ट्रायंगल पीक्यूसी एंड ट्रायंगल क्यूपीबी लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो केवल बोलने से नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल QPB स्टैंडिंग ऑन बेस PQ एंड सेम एरिया। अब बताओ सेम एरिया की बात मैंने कहां से लिखा, केस नंबर थर्ड से। ट्रायंगल पीक्यूसी ट्रायंगल क्यूपीबी स्टैंडिंग ऑन सेम बेस, सेम बेस कौन पीक्यू एंड सेम एरिया। सेम एरिया क्यों, फ्रॉम केस नंबर थर्ड। अब टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड सेम एरिया, अगर इतना लिख दिया इसके बाद क्या लिखेंगे। अगर ऐसा है देन दीज ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन
अगर ऐसा है हेंस PQ पैरेलल टू BC, इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक में पैक करते हुए प्रूफ लिख दोगे। बताओ यह कर्वहॉल्स ऑफ थेल्स थ्योरम का काम पूरा हो गया? इस काम को वह खूबी कर लोगे आप, हो जाएगा ना तुमसे? निश्चित रूप से हो जाएगा बेटा। याद रखना ज्योमेट्री में जो भी बातें बताई जा रही है पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वर्ग को तुम पूरा कर लोगे, और पूरा ही नहीं कर लोगे इसका रिपीटेशन भी करोगे। बताओ करोगे ना, हो जाएगा ना? थैंक्स।